नूरपुर को रेशम का शहर का नाम देने वाली नूरपुरी सिल्क मिल आज पतन के कगार पर है। आलम यह है कि अपनी अंतिम सांसें गिन रही ये मिल कब दम तोड़ दे कहा नहीं जा सकता। सरकार द्वारा इसकी लगातार अनदेखी ही इसके पतन का कारण है। एक समय था कि नूरपुरी सिल्क मिल की क्षेत्र में तूती बोलती थी। काफी दूर दूर तक यहाँ पर तैयार होने वाले कपड़े की डिमांड थी, चाहे वो रेशम की साड़ियाँ हो, टोपी हो या फिर जैकेट हो। धागे से लेकर कपड़ा बनाने तक हर प्रकार के वस्त्रों का यहाँ उत्पादन होता था। काफी समय में लोग इस मिल में काम करते थे, लेकिन सरकार द्वारा इस मिल की लगातार अनदेखी करने के कारण मानचित्र से यह मिल धूमिल होती गई है और आज यह मरणासन्न स्थिति में पहुंच गई है। मात्र कुछ ही कर्मचारी इसमें कार्यरत हैं। इस मिल के पिछड़ने का कारण सरकार द्वारा समय के साथ इसमें बदलाव न करना रहा है। इसका न तो प्रसार किया गया और न ही इस कार्यशाला में कोई मूल चूक परिवर्तन किया गया। यही कारण है कि वर्तमान में यहाँ पर व्यवसाय में प्रतियोगिताएं हैं, जिसमें ये सिल्क मिल पिछड़ गई है। उसकी जगह इस मिल के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने बड़े बड़े शोरूम ने ले लिया है। लोग इस शोरूम की चकाचौंध के कारण उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और इस मिल के शोरूम को आज से 24 वर्ष पुराने फैशन को दर्शाते हैं और वो इस प्रतियोगिता में कहीं नहीं टिक पाते। नूरपुर विधायक राकेश पठानिया का कहना है कि इस मिल पर बहुत बड़े पैमाने पर मूलचूक परिवर्तन करने की जरूरत है, जिसके लिए पिछली सरकार ने 5 वर्षों में कुछ नहीं किया। उन्होंने इस मिल के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही। हाँ, कभी जमाना था हमें नूरपुर को एक रेशम की नगरी से जाना जाता था, कोई शक इसमें कोई दो राय नहीं। हमने इसको रिवाइव करने का प्रयास किया था, नए ब्रॉयलर्स का प्रबंध किया था। इसमें दरअसल अब जो है बेसिक रॉ मटेरियल भी नहीं मिल रहा और जो एक क्रेज है जो हैंड वीवन स्टफ का वो बड़ा कम होता जा रहा है। बहुत बड़े स्तर पर इसको बड़े पैमाने पर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा और पिछले 5 साल में तो इस सरकार ने इसके ऊपर कुछ किया नहीं और एक इसका एक पूरा एक्शन प्लान बना के अगली बार इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे ताकि ये मरती हुई सिल्क मिल को एक बार फिर से जीवित किया जाए।